वापस फिर से। अरे कल मेरे को टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने कल वीडियो भी नहीं लगाया, ना ही तीन पत्ती खेला हूँ कल मैं, और ना ही किसी बेट पे मैंने लगाया था। लेकिन कल मेरे को लग रहा था मुंबई जीत जाएगी, लेकिन नहीं, कल यार हैदराबाद जीती। अच्छा हुआ मैंने नहीं लगाया, बच गया अपना। और एक बात आपको बतानी थी कि अगर आप बेट लगाते हो इधर आईपीएल में और आप बेट जीत जाते हो, फिर उस जो बेट जीतते हो वो चिप्स है ना, आपको वो चिप्स से नहीं खेलना। अगर वो चिप्स से आप खेलोगे तो 101% आप लॉस हो जाओगे, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। कि मैं तीन अभी जो आईपीएल स्टार्ट हुई इसमें मैं जीता हूँ, एक दो मैच में ही आ रहा हूँ, वो पंजाब वाली थी उस मैच में ही आ रहा हूँ, बाकी एक भी मैच में मैं हारा नहीं हूँ। तो मेरे को पता है यार, मैं जब भी आईपीएल का विड्रॉल लेता हूँ और उसके आधे घंटे बाद एक घंटे बाद मैं खेलना जब चालू करता हूँ तो एक गेम नहीं आती, एक आती है तो एक दो गेम आती है, बाकी सारे चीज़ में लॉस हो जाता हूँ। तो अगर ये बात आपको बतानी, अगर आप आईपीएल सिर्फ बैटिंग कर रहे हो तो बैटिंग में अगर आप वन हो जाते हो, ये चिप्स या बेच डालो, मत रखो अपने पास, डायरेक्ट सेल कर दो, ये चिप्स मत लेना। सेल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो लोग नहीं आ रहेंगे जो ले रहे हैं, लेकिन सेल कर दो, आप अपने पास मत रखो ये चिप्स, क्योंकि आप वो हार जाओगे। मतलब बेट का आप जो जीते हैं उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और यही स्ट्रेच जो है तीन पत्ती वाले की वो होती है ये, कि अभी इसमें जीता है तो टेबल पे अगर आप खेलोगे तो वो पब्लिक टेबल पे आपको हरवा देगा। तो यही है आईपीएल बेट की कहानी, इधर हम बेटिंग करते और जीत जाते तो हम हारते, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, मेरा दोस्त भी है, दो तीन दोस्त है वो भी बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है, चिराग मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे कॉल करके बोला कि अरे यार तूने बोला बैट में तो बैट तो मैंने लगा दिया, जीत भी गया लेकिन चिप्स तो आ रही है। मैंने बोला यार तू पागल है, सेल कर देना चाहिए ना, क्योंकि मैं भी पहले पागल ही था, मेरे को पता था लेकिन कंफर्म नहीं था। और अभी मैंने पिछले में मैं जब भी मैंने वीडियो बनाया था लास्ट में मैं जीता था चेन्नई पे, और चेन्नई पे मैं 200 और ऐसा कुछ 98 का कुछ 220 करोड़ किया था, वो मैंने विड्रॉल भी किया था, उसकी वीडियो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो वो देख लेना आप। और वो चिप्स से मैं खेला, साला सब हार गया, पूरा चिप्स हार गया, और कल मेरे पास चिप्स भी नहीं था और टाइम भी नहीं था, इसलिए कल मैंने कुछ भी नहीं किया। और आज मैंने चिप्स मंगवाया है, तो आज मैं अगर बेट लगाऊंगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। कल पूरा दिन मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं की, तो यार माफ़ करिए। तो आज की मैच है बेंगलोर और पंजाब, तो मेरे को आज चांस तो बेंगलोर का लग रहा है, बाकी देखते हैं मैच चालू होने पर। क्योंकि यार बेंगलोर अभी विराट कोहली है, साला एक मैच नहीं जीता तो उसका ईगो आउट हो जाएगा, तो आज जीतना चाहिए बेंगलोर। तो देखते हैं यार क्या होता है, चांस तो बेंगलोर का ही है जीतने का, बाकी देखते क्या होता है। अगर ऐसा कुछ मेरे को पक्का ऐसा इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप लगा देना और जीत जाना, एंजॉय करना। नेक्स्ट मैच है मुंबई दिल्ली, तो अभी नेक्स्ट मैच में मुंबई डेफिनेटली जीतेगी, मुंबई दिल्ली की मैच है उसमें। मतलब अभी स्टार्ट हो गई है क्या? ओके, बेंगलोर है तो बेंगलोर आज ही है ना, ठीक है, ये 14 तारीख को है, हाँ, तो कल मुंबई जीतेगी। और आज मेरे को आसी भी लग रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों यही था यार मेरा वीडियो आज, आपको यही इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी कि आईपीएल की बेटिंग में अगर आप चिप्स जीतो तो प्लीज़ सेल कर दो, खेलो मत उससे, हार जाओगे और आपका लॉस होगा, यार अच्छा नहीं लगता मेरे अगर दोस्तों का लॉस होता है तो, यार मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, सेल कर दो, कमाओ और कमाने दो, ये आओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ आपको ऐसा क्या बोलते हैं उसको सीखने को मिला हो तो यार लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो कमेंट में बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा,
और मैं जल्दी रखने वाला हूँ 500 सब्सक्राइबर पे गिव अवे 10 करोड़ का, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या, और कुछ नहीं, अभी मिलते हैं, लगा मैं बैट लगाऊंगा तो मिलते हैं शाम को, फिर से वीडियो अपलोड करूँगा मैं, 9-10 बजे वीडियो अपलोड कर दूँगा अगर ऐसा कुछ रहेगा तो। अभी के लिए बाय दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों।